उदाहरण नंबर हम देखेंगे 19 और इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये एग्जाम्पल क्वेश्चन 19 है और लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अब तक का है और आसान भी है। छोटा सा कॉन्सेप्ट से बनाएंगे क्वेश्चन को कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, एक होता है प्रतिकूल एक होता है अनुकूल, ठीक है। अनुकूल मतलब होता है क्या चीज, डाउन स्ट्रीम। प्रतिकूल मतलब होता है अपस्ट्रीम, मतलब अगेंस्ट में, धारा के अगेंस्ट में। एक धारा के क्या होता है, साथ में, विरोध में, एक बार विरोध में होता है और धारा के एक बार क्या होता है, साथ में चलना। तो जिधर धारा बहे उधर नाव को बहाए तो नाव का रफ्तार बढ़ेगा या घटेगा, एक ही चीज हमेशा याद रखना, जो पानी में तैरता है वो बड़ा होता है। वो बड़ा होता है कहने का मतलब उसका चाल ज्यादा होता है, अगर उसका चाल कम होगा तो पानी उसको ले जाएगा बहा करके। और यहाँ पर क्वेश्चन को जब पढ़े तो हमने पाया ये चीज कि प्रतिकूल और अनुकूल दोनों परिस्थिति में नाव बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, दैट मीन्स नाव का जो चाल है वो ज्यादा है। शांत जल में नाव का चाल क्या है, ज्यादा है। हमें निकालना है धारा का चाल, नाव का स्थिर जल में चाल निकालना है। ये दो चीज निकालना है ना, निकाल लेंगे। जो निकालना है उसको मान लेंगे, तो मान लेते हैं, माना कि धारा का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और नाव का स्थिर जल में चाल जो है y किलोमीटर पर घंटा, मतलब एक घंटा में y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर पानी एकदम स्थिर होगा। धारा भी कुछ बहाएगा, अब देखो क्या करेगा, एक नाव 10 घंटे में कितना जाता है, धारा के प्रतिकूल मतलब डाउन स्ट्रीम नहीं अप स्ट्रीम, धारा के विरोध में 30 किलोमीटर जाता है धारा के विरोध में। और यहाँ पर हम ले यह चीज मेंशन कर दे कि y जो है वह ग्रेटर देन है x से, y क्या है ग्रेटर देन है x से, यानी नाव जो है वो ज्यादा चल रहा है धारा से, ठीक है। और बात कर रहे हैं क्या चीज, प्रतिकूल मतलब क्या होता है, विरोध में, जब विरोध में चलेंगे तो स्पीड को कम करेगा, कोशिश करेगा स्पीड कम करने का, तो क्या होगा इस स्थिति में, समय हम लोगों को पता है 10 घंटा, क्या पता है 10 घंटा। हम लोग ये फॉर्मूला बहुत पढ़ के आए हैं, चाल, ये फर्क क्या फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, यानी कि चाल को इंग्लिश में क्या कहा गया है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमें पता क्या है, समय भी पता है, ये बात हम समझ गए, समय पता है, मेन चीज तो यही पता है कि समय पता है, 10 घंटा में ऐसा हुआ, 10 घंटा में ऐसा भी हुआ, 10 घंटा में 30 किलोमीटर गया, 10 घंटा में 44 किलोमीटर भी गया, फर्क इतना था कि एक बार अगेंस्ट चला, एक बार क्या चला, एक बार अप स्ट्रीम में चला, एक बार डाउन स्ट्रीम में चला, अप मतलब कूद के चला, चौड़ा ऊंचाई के, कहने का मतलब क्या, धारा उधर से आ रहा था जा इधर से रहा था, ठीक है। एक बार डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब उधर से बह रहा है क्या चीज पानी, तो उधर से ना इधर आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज नहीं बदला, वो चीज नहीं बदला, वो था डिस्टेंस नहीं बदला, लोग कहेगा ये कहेगा लोग, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ही तो चेंज हो गया, एक ही चीज नहीं चेंज हुआ, वो है समय। 10 घंटा चलाना था उसको, तो ये कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे तो बनेगा क्वेश्चन की 10 घंटा स्थिर था, यानी कि हम लोग को लगाना होगा फॉर्मूला यहां से निकाल करके समय का। तो ध्यान से देखोगे, समय बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाल, यानी कि समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं क्या चीज, प्रतिकूल ना, धारा के प्रतिकूल, यानी अपस्ट्रीम धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव की चाल, तो धारा के प्रतिकूल जाएगा तो नाव का अपना स्पीड है माइनस धारा ही स्पीड को कमाएगा घटाएगा, तो वाई माइनस इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, समझ में आ गया। और हमें देखना है क्या क्या नहीं बदला है, समय नहीं बदला, क्या नहीं बदला है, समय नहीं बदला, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना गया है, देखा जाए दूरी कितना गया, 30 किलोमीटर अबट्टा चाल, चाल क्या था, अब ये चाल हो गया, ये समझ में आ रहा बात, तो चेंज नहीं हो रहा है क्या चीज,
समय, और उसी से तो काम हो जाएगा ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, समय बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, ठीक है ठीक। तो चलो ये तो हम बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग ये देख लिए कि धारा के प्रतिकूल जो चाल था ये, अब धारा के अनुकूल बात करेंगे, धारा के अनुकूल बात करते हैं। अनुकूल नाव की जो चाल होगी, अनुकूल मतलब धारा के साथ, मतलब जुड़ेगा, तो y प्लस क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब हम थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा। नाव है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल गया 10 किलोमीटर तथा अनुकूल आया 44 किलोमीटर, टोटल 10 घंटा समय था, जाना आना लगा करके कितना 10 घंटा समय। क्वेश्चन को ध्यान देखो, ऐसा तो नहीं अलग अलग लिखा है, लिखा क्वेश्चन क्या, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर गया तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, समझ आ गया बात। तो टोटल समय कितना लग रहा है इसमें, 10 घंटा। तो हम लोग फॉर्मूला अभी तुरंत देखे कि समय बराबर क्या होता, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, तो दूरी बट्टा चाल, तो दूरी 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 क्या 30 किलोमीटर। तो हम लिख देते हैं क्या चीज, प्रश्न से दूरी कितना था पहले 30 किलोमीटर दूरी था, तो उस स्थिति में चाल क्या था, तो y माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बट्टा में आएगा, प्लस पहले ये था लेकिन अनुकूल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था 44 किलोमीटर, तो चाल क्या था उस स्थिति में, तो y प्लस x था, y प्लस x था किलोमीटर प्रति घंटा दोनों के पास, तो प्रति घंटा हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ऐसा करने पर कितना समय लग गया टोटल 10 घंटा, समझ में आ गया बात, 10 घंटा के अंदर का बात है ये सब, है ना। अब देखो यहाँ से किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, यहाँ से आ जाता है तुम्हारा 30 बट्टा वाई माइनस एक्स प्लस 44 बट्टा वाई प्लस एक्स बराबर में 10, यह मेरा इक्वेशन नंबर होता है फर्स्ट, समझ में आया। ये क्वेश्चन तुम्हें फिर से दिख रहा होगा, जो एग्जांपल नंबर हम लोग क्या किए थे इससे पहले 18 किए 17 किए, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। पुनः प्रश्न से ध्यान से देखना, समझ में आएगा। पुनः प्रश्न से, अब क्या हो गया, समय कितना 13 घंटा में, अब क्या होता है 40 किलोमीटर धारा के साथ, नहीं धारा के विरोध में, और 55 किलोमीटर धारा के साथ में जाता है। अब देखो क्या हो जाता है इक्वेशन, इसी प्रकार इक्वेशन क्या बन जाता है, देखो 40 बट्टा, इस स्थिति में क्या था प्रतिकूल था, प्रतिकूल के लिए स्पीड क्या था वाई माइनस एक्स था, प्लस अनुकूल के लिए स्पीड क्या था, मतलब धारा जिधर बहेगा उधर, तो 55 किलोमीटर गया था, और स्पीड किस स्पीड से गया था, तो वाई प्लस एक्स की स्पीड से गया था, और ऐसा करने पर 13 घंटा समय लगा था। इक्वेशन नंबर सेकंड, समझ में आ गया बात, बहुत इजी है। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी वाई माइनस एक्स, यहाँ भी वाई माइनस एक्स दिख रहा है, यहाँ भी वाई प्लस एक्स, यहाँ भी वाई प्लस एक्स दिख रहा है, जिस चीज को हम लोग मान सकते हैं। समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा बात या नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, माना कि 1 बट्टा वाई माइनस एक्स बराबर ए कॉमा 1 बट्टा वाई प्लस एक्स बराबर क्या मान लेते हैं बी, मान लिए हैं। देखो अभी हम लैंग्वेज थोड़ा चेंज करते हैं, कि माना कि 1 बट्टा x माइनस वाई बराबर है, 1 बट्टा वाई प्लस एक्स बराबर जी, समीकरण एक और दो में रखने पर, समीकरण एक और दो में रखने पर, यानी कि जैसा देवता वैसा पूजा, जैसा जगह वही हिसाब से इसको पसार देंगे, फैला देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इसको पुट कर देते हैं हम लोग इक्वेशन और फर्स्ट में, तो देखो 1 बाय y माइनस एक्स के ऊपर क्या रखना है एक, और 30 तो पहले से है, तो क्या हो गया ये 30 है, समझ में आ रहा बात, प्लस 44 भी खूब सीखा होगा ये चीज, इसलिए अभी नहीं सिखा रहे उतना ज्यादा। इक्वेशन नंबर कितना हो गया थर्ड, जबकि इसमें पुट करेंगे तो क्या जाएगा 40 है प्लस प्लस 55 बी बराबर 13, इक्वेशन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, बमंडर होने वाला है, बहुत बमंडर होगा, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। इक्वेशन को कैसे कर लेंगे, ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं इसी के सामने, वो क्या, और हम यहाँ पे बनाएंगे ब्रज गुणन विधि, बहुत मजा आएगा, आसान पड़ेगा। देखो इसको और आगे हम करते हैं तो हम लिख सकते हैं 30a प्लस 44b प्लस 10 इधर आया तो माइनस 10 बराबर में, अब इसे मानते इक्वेशन नंबर थर्ड, जबकि यहां से देखेंगे
तो 40A, 40A तो 4 लिख रहे हैं, 40A प्लस 55B माइनस 13 बराबर 0। अब हम लोग लगाएंगे ब्रज गुणन विधि। कौन विधि? हाँ, वज्र गुणन विधि से। बहुत मजा आएगा। क्या बोले थे? BCA करके बन गया पूर्वक। एक्स वाई के फॉर्म में इक्वेशन नहीं, ए और बी के फॉर्म में इक्वेशन है ना, ए बी और एक कांस्टेंट की जगह पर वन। बोले थे BCA पूर्वक, बी बी के बगल में कौन? बी सी पहला आदमी पूर्वक, पहला इक्वेशन पहले BC तो सी कांस्टेंट माइनस 10 BCA ए के जगह कितना 30 BCA पूर्वक 40। समझ आ गया बात? सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 तो लिखना छूट गया, चलो देखते हैं यहाँ पर। तो BCA बुड़बक, बुड़बक मतलब 40 थोड़ी 44, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं सेकेंड में। अच्छा, इसका तो 44 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग सेकेंड में। बी बी मतलब क्या? 55। क्या है बी सी मतलब क्या? माइनस 13। बी सी ए मतलब कितना? 40। बी सी ए बुड़बक मतलब बी, फिर से 55, फिर से 55। अब कर देंगे क्वेश्चन को बचपन से लेके 55 तक। ए बट्टा ये दोनों को गुणा करो, क्रॉस गुणा। 44 गुणे 13, यहाँ देखो 44 का गुणा करना है 13 के साथ, तो रिजल्ट क्या मिलता है? 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 12 × 4 = 16, 16 × 17 = 7, हाथ में रहा 1, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 5, 572 माइनस में घटता है, घटता है ना फॉर्मूला वाला, तो घटना अब माइनस वाला घटना, तो प्लस हो गया 55 × 550 बराबर बी बट्टा। अब गुना आसान है, दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 400 माइनस का 400 माइनस माइनस हो गया फॉर्मूला वाला, तो प्लस 13 × 3 = 39, 390 बराबर। ये दोनों का गुणा कर देते हैं, तो 1/55 को 3 से गुणा करना है, तो ये 0 से 1 होगा, 5 × 6 = 15, 5 हाथ में 1 × 15 = 16, 1650 और माइनस 4 × 16 = 6, हाथ में 1, 4 × 16 = 17, 1760 सही है ना। अब देखो क्या आ जाता है, ए बट्टा में माइनस का क्या ये जाएगा तो कितना? 22 और बराबर बी बट्टा में क्या? माइनस का 10, ठीक है, बराबर 1/1 में क्या इसमें से ये जाएगा 110 माइनस का 110। कंपेयर वेरिएबल कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे, ए बट्टा माइनस 22 बराबर बी बट्टा में माइनस, सॉरी बी बट्टा कहते हैं, 1/1 में माइनस 110। देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिए और क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाता है 110 ए बराबर 22। दिस इंप्लाइज ए बराबर 22/110, 11 × 2 = 22, 11 × 11 = 10। समझ आ रहा बात? या देखो डायरेक्ट 22 × 22 और 22 × 5 = 110, इसलिए ए बराबर 1/5, ए बराबर क्या निकल गया है 1/5। अब चलो बी निकालते हैं हम लोग, ठीक है, बी बट्टा माइनस 10 बराबर 1/-110 माइनस से माइनस कैंसिल 0 0 कैंसिल। समझ आ रहा बात? तो क्रॉस गुणा कर दिया तो क्या आ गया 11, बी बराबर 1, बी बराबर 1/11, ए और बी का मान निकल के आया, ये प्राप्त ए और बी के मान को लौटाने पर लिख देते हैं प्राप्त ए और बी के मान को लौटाने पर। लौटाते हैं, लौटाने पर क्या आएगा? क्योंकि जगह नहीं होगा तो क्या आएगा? तो अब वहां के बाद हम यहां करते हैं, हमें मिल चुका है प्राप्त ए और बी के मान को लौटाने पर, लौटा देते हैं, और यहां मेरा था 1/y − x बराबर में माने थे हम लोग ए, और ए हमें मिला था 1/5, और ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे y − x = 5, यही मेरा इक्वेशन नंबर बनता है 5। समझ में आ रहा बात? जबकि 1 देखो b बराबर 1/11 है और b किसे है लौटाने पर, तो है 1/y + x = b यानी 1/11 और y + x = 11 इक्वेशन नंबर हो गया मेरा यह 6। कितना आसान है, ये से ये कैंसिल हो सकता है। हम क्या करते हैं, समीकरण 5 को जोड़ देते हैं समीकरण 6 के साथ,
तो क्या आता है रिजल्ट, तो y प्लस सॉरी y माइनस x, y माइनस x प्लस y प्लस x बराबर बराबर क्या 5 प्लस 11, और यहां से देखते हैं ये सीधे कैंसिल, यानी 2y बराबर में 16, दूसरे 2 अठे 16, इसलिए y बराबर आ गया 8, y बराबर क्या आ गया 8। अब क्या करते हैं हम लोग, प्राप्त y बराबर 8 को समीकरण 5 में रख देते हैं, 5 में रखने पर हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो y की जगह पर 8 माइनस में x बराबर में 5, दिस इंप्लाइज माइनस में x प्लस में 5 प्लस 8 इधर आया तो माइनस का 8 माइनस x बराबर माइनस 3 माइनस का माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर आ गया कितना, ठीक है। तो x बराबर हमें 3 आया, y बराबर हमें 8 आया, और ध्यान से देखोगे तो धारा का चाल x की जगह पर क्या, तो 3 किलोमीटर पर आवर, जबकि नाव का चाल क्या, तो 8 किलोमीटर पर आवर, जो मेरा अनुमान था वही बिल्कुल सही था, बोले थे ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः करके लास्ट में जगह की कमी, तो हम लिख देते यहीं पर अतः करके लिखेंगे यहीं पर, तुम लोग लिख लेना, नीचे लिखना तुम लोग, यहाँ पर x के जगह पर कितना आया था मेरा 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर है धारा का चाल, जबकि शांत जल में नाव की जो चाल है वह है 8 किलोमीटर पर आवर। और चाहे तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं, हम बनाए हैं सही या गलत। तो यहाँ देखो पुट करते हैं वैल्यू, y की जगह रखते हैं 8 और 8 में x की जगह रखते 3, 8 में से चला जाएगा 3 तो बचेगा 5, और 5 से 5 36 यानी बचेगा 6, बचेगा 6। और y की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 8, और अगर x की जगह पर रखते 3 तो 8 11, 11 से 4 मतलब ये कट जाएगा, ये आया था 6 और 4 10, मतलब हमने जो बनाया बिल्कुल सही बनाया, और इस प्रकार यह क्वेश्चन हो जाता है।